मथुरा के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने पति बंटी कबूतर के साथ रहती थी। बंटी एक किसान था, वो अपने खेत में धान की खेती किया करता था। एक दिन वो घर आकर टुनटुनी से कहता है, अरे भाग्यवान, ये लो धान के बिक्री के पैसे, इन्हें जरा ध्यान से खर्च करना, पूरा साल इन्हीं पैसों से घर खर्च चलाना है। अजी सुनते हो जी, आप इतनी मेहनत करते हैं फिर भी गरीबी हमारा पीछा ही नहीं छोड़ती। कल कालू कवी की पत्नी आई थी, वो कह रही थी कि कालू ने धान की फसल काटने के बाद अपने खेत में मटर की फसल लगाई है। वैसे अपना भी खेत अब तो खाली ही पड़ा है, तुम अपने खेत में किसी सब्जी की खेती क्यों नहीं करते? ऐसा करो, तुम अपने खेत में बैंगन की फसल लगा दो, बरसात का मौसम है, इस मौसम में बैंगन की अच्छी डिमांड रहती है। अगर घर में दो पैसे ज्यादा आएंगे तो हम भी अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा सकेंगे। तब तक आप लोग कमेंट में बताएं 70x10 कितने होते हैं। तू ठीक कह रही है टुनटुनी, हमें अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। मैं आज ही जाकर बाजार से बैंगन के छोटे छोटे पौधे खरीद कर लाता हूँ और उन्हें अपने खेत में लगा देता हूँ, जिससे फसल जल्दी तैयार हो जाएगी। बंटी कबूतर बाजार से बैंगन के पौधे खरीद कर लाता है। टुनटुनी, मैं पौधे खरीद कर ले आया, ये बहुत ही अच्छे किस्म के बैंगन के पौधे हैं। चलो हम दोनों मिलकर इन्हें खेतों में बो देते हैं। टुनटुनी अपने पति के साथ मिलकर खेत में बैंगन के पौधे लगा देती है और फसल तैयार होने का इंतजार करने लगती है। एक दिन टुनटुनी अपने पति से कहती है, सुनते हो जी, पौधों को लगाए हुए 15 दिन हो गए हैं, जाकर उन्हें खाद पानी दे दो। मुझे किसी काम से बाहर जाना है, ऐसा करो तुम ही खेत पर जाकर खाद पानी डाल देना। टुनटुनी अपने खेत पर जाती है। अरे ये क्या, यहाँ तो बहुत सारे छोटे छोटे घास फूस उग आए हैं, इससे तो हमारी बैंगन की फसल खराब हो जाएगी। पास वाले खेत में रसीली तोती काम कर रही थी, जब वो टुनटुनी को देखती है तो उसके पास आती है। अरे टुनटुनी, तुम्हारे खेत में तो बैंगन के पौधे बहुत अच्छे से उगे हैं, लेकिन इन पौधों के आसपास बहुत सारे घास फूस उगाए हैं, इन्हें तू साफ कर दे तब तेरी फसल और अच्छी होगी। हाँ रसीली बहन, पहले मैं इन्हें साफ कर देती हूँ, फिर खाद पानी डालूंगी, वरना सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। टुनटुनी सारे घास फूस को साफ करके खाद और पानी डालती है। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और बैंगन की फसल तैयार हो जाती है। बंटी कबूतर बैंगन की फसल देखकर बहुत खुश था। टुनटुनी, अपने खेत में ये बैंगन की फसल कितनी सुंदर दिखाई दे रही है, मैं जल्दी इन्हें तोड़कर बाजार में बेच दूंगा। 2 दिन बाद वो अपने खेत में बैंगन की फसल को तोड़ने के लिए पहुंचते हैं और सारी फसल को तोड़कर बाजार में बेच देते हैं, जिससे उन्हें अच्छी आमदनी होती है। ये देखकर कालू कवर्स की पत्नी टुनटुनी से जलने लगते हैं। देख रहे हो कालू, ये बंटी अपने खेत में बैंगन की फसल लगाकर अच्छे पैसे कमा रहा है, तुम भी अपने खेत में बैंगन की फसल लगा दो और थोड़ा ज्यादा खाद डाल देना ताकि फसल जल्दी तैयार हो जाए। कालू कौवा ऐसा ही करता है, वो अपने खेत में जल्दी फसल तैयार करने के लिए बहुत सारा खाद डाल देता है, जिससे उसके सारे बैंगन के पौधे खराब हो जाते हैं, साथ में उसका खेत भी बंजर हो जाता है। इधर बंटी और टुनटुनी खुशी खुशी बैंगन की खेती करके अपनी जिंदगी बिताने लगते हैं। टुनटुनी नाम की अनाथ चिड़िया जंगल की नदी से पानी पीकर इधर उधर टहल रही थी कि तभी अचानक उसे किसी की करहाने की आवाज़ सुनाई दी। अरे ये तो किसी के दर से करहाने की आवाज़ है, ये आवाज़ तो पेड़ के पीछे से आ रही है, जाकर देखती हूँ शायद किसी को मदद की जरूरत हो। टुनटुनी चिड़िया पेड़ के पीछे जाकर देखती है कि एक कबूतर पेड़ के पीछे गिरा पड़ा है और उसके सर से खून निकल रहा है। अरे आपके सर से तो बहुत सारा खून निकल रहा है। टुनटुनी जल्दी से एक पीपल का पत्ता लेकर आती है और उसके सर पर जहाँ से खून निकल रहा था वहाँ पर लगा देती है। टुनटुनी चिड़िया नदी से पानी लाकर पानी पिलाती है। कुछ देर बाद, आप कौन हैं? आपका क्या नाम है और आपको ये चोट कैसे लगी? मेरा नाम बंटी है और मैं एक अमीर बिजनेसमैन हूँ और बैंगन का खेत खरीदने जा रहा था कि तभी इस जंगल के एक दुष्ट बाज ने मुझे ये चोट दे दी और मेरे सारे पैसे लेकर भाग गया। अरे ये तो बहुत ही गलत किया उस बास ने,
उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आपके सर से तो इतना खून बह रहा है, जान भी जा सकती थी। हाँ, तुमने मेरी जान बचा ली, वरना मैं आज मर ही गया होता। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, इसमें धन्यवाद की कोई बात नहीं है। आखिर अब पक्षी अगर एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा। वैसे तो तुम उम्र में काफी छोटी लग रही हो, लेकिन अपनी उम्र से ज्यादा समझदार हो। कहाँ रहती हो तुम और तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? माफ कीजिएगा, मैं अनाथ हूँ। मेरे माँ बाप नहीं है और मेरा कोई घर नहीं है। मैं बस इधर उधर रहकर अपनी जिंदगी गुजार लेती हूँ। अच्छा, तुमने मेरी जान बचाई है। मैं इसके बदले में तुम्हें पैसे दे सकता हूँ। तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। अभी तो मेरे पास पैसे नहीं है। मैं तुम्हें घर चलकर जितने पैसे बोलोगे उतने पैसे दे दूंगा। नहीं, मुझे पैसों की कोई जरूरत नहीं है, बस आप अपना ध्यान रखिए। अच्छा, अभी तो मेरे सर में चोट लगी है, क्या तुम मुझे मेरे घर तक पहुँचा सकते हो? जी जरूर, क्यों नहीं। तब तक आप लोग कॉमेंट में बताए 9x9 कितने होते हैं। टुनटुनी बंटी को सहारा देकर उसके घर तक पहुंचा देती है। मुझे पता है तुम मुझसे पैसे नहीं लोगी, इसलिए ये लो, मैंने तुम्हारे जंगल के पास बैगन के खेत खरीदे थे और ये खेत आज से तुम्हारे हैं। ये लो खेत के पेपर्स, और तुम अभी इन्हीं पर रहना और अपना घर जरूर बना लेना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई बात नहीं है, आखिर तुमने मेरी जान बचाई है। अगर तुम्हें जिंदगी में कभी भी किसी चीज की जरूरत हो तो तुम बेझिझक मेरे पास आ जाना। टुनटुनी वहाँ से बैंगन के खेत पर आ जाती है, खेत से बैंगनों को बेचकर पैसे कमाती है। बैंगन के कुछ खेतों से इतनी अच्छी आमदनी हो रही है, अगर मैं और फसल लगाकर अपना पूरा एक खेत तैयार कर लूँ तो कितने पैसे मिलेंगे। बहुत ही अच्छी तरकीब है, मैं कल से ही फसल लगाना शुरू करूँगी। टुनटुनी धीरे धीरे बैंगन की पूरी फसल लगाना शुरू कर देती है। तभी टुनटुनी चिड़िया का दोस्त कालू कौवा वहाँ आता है। अरे टुनटुनी, क्या कर रही हो ये तुम? मैं अपनी बैंगन की खेती कर रही हूँ। टुनटुनी, तुम पागल हो गई हो क्या? अकेले इतना बड़ा बैंगन की खेती कैसे कर सकती हो? और तुम्हें तो वैसे भी खेत फ्री में मिल ही गया है, तुम्हारी जिंदगी तो आराम से कट जाएगी। क्यों फालतू में इतनी मेहनत कर रही हो? तुम आराम से खाओ पियो और ऐश करो। देखो, मुझे मेरा काम करने दो और तुम यहाँ से चले जाओ। मैं मेहनत से नहीं घबराती और मैं अपने बैंगन की खेती तो कर रहूँगी और अपना बड़ा सा बगान बनाकर ही रहूँगी। देख लेना, मुझे एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। हाँ ठीक है, करती रहो इतनी गर्मी में खेती। मैं तो चला अपने घर आराम से सोने। टुनटुनी चिड़िया अपने दोस्त कालू की बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती है और अपने बैंगन की खेती लगाकर उनकी खूब देखभाल करती है। अब टुनटुनी चिड़िया धीरे धीरे बड़ी हो रही थी और उसके साथ साथ उसकी फसल भी बड़ी हो रही थी। 6 महीनों की मेहनत के बाद उसमें धीरे धीरे बैंगन आना शुरू हो गए थे। टुनटुनी ने खूब मेहनत करके अपनी बगान को बड़ा ही सुंदर बना लिया था। टुनटुनी के खेतों में बैंगन आ जाते हैं तो टुनटुनी बैंगन तोड़कर पूरे जंगल में फ्री में बांटती है। आखिरकार तुम्हारी इतनी महीनों की मेहनत रंग लाई। हाँ टुनटुनी बिटिया, तुम्हारे बैंगन सच में बड़े ही अच्छे हैं। हाँ हरी चाची, मेहनत करने वालों को भगवान सफलता जरूर देता है और देखो आज मेरी मेहनत सफल हुई। टुनटुनी, तुम सच में बहुत मेहनती चिड़िया हो। हाँ मैंने मेहनत करी है और मुझे उसका फल मिला, लेकिन कुछ पक्षी थे जो मुझे मेहनत करते देखकर खूब हंसते थे और मुझे मना करते थे कि मैं ये सब ना करूं। हाँ टुनटुनी, मैं अपनी कही हुई बात पर शर्मिंदा हूँ। मुझे इस तरह से तुम्हारा मनोबल नहीं तोड़ना चाहिए था, हो सके तो मुझे माफ कर देना। अरे नहीं कालू भाई, तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और टुनटुनी अपने बैंगन के खेत में बैठी थी कि तभी कड़कनाथ सेठ कौवा वहाँ आता है। ये खेत आपके हैं? जी हाँ, ये खेत मेरा है। मेरा नाम कड़कनाथ है और मैं आपसे आपका पूरा खेत खरीदने आया हूँ। शहर की सब्जी मंडी में मेरी सबसे बड़ी दुकान है और आज तक मैंने ऐसे फ्रेश बैंगन पूरे सब्जी बाजार में नहीं देखे। मेरी फसल ऑर्गेनिक है, इसमें कोई केमिकल का उपयोग नहीं हुआ। क्या कीमत होगी आप मेरे बैंगन की फसल की? मैं आपको मुंह मांगी कीमत दे सकता हूँ। आपको जितना पैसा चाहिए आप बताइए, मैं दे दूंगा आपको। टुनटुनी चिड़िया अच्छे दामों पर सेठ कड़कनाथ को अपनी बैंगन की फसल बेच देती है। आज टुनटुनी चिड़िया बहुत खुश थी क्योंकि उसको अपनी मेहनत के अच्छे दाम मिल गए थे।
एक घने जंगल में टुन्नू नाम का चिड़ा अपनी पत्नी और बेटी टुनटुनी चिड़िया के साथ रहता था। उसकी पत्नी की बहुत बार तबीयत खराब हुई। कुछ ही महीनों में वो भगवान को प्यारी हो गई। टुन्नू और उसकी बेटी अकेले रह गए। एक दिन हरी काकी टुन्नू से मिलने आई। टुन्नू भाई, आपकी बेटी अभी बहुत छोटी है, इसे देखभाल के लिए माँ की जरूरत है, आप दूसरी शादी कर लीजिए। बहन, मुझे डर है कि सौतेली माँ मेरी बेटी के साथ बुरा सलूक ना करे। आप ऐसा मत सोचिए, मेरी नज़र में एक सीधी सादी चिड़िया है, कहिए तो मैं आपकी तरफ से बात चलाऊं। ठीक है हरी काकी, अगर आप चिड़िया से परिचित हैं तो मुझे कोई एतराज नहीं है। इस तरह टुन्नू की शादी पिंकी नाम की चिड़िया से हो गई। पिंकी चिड़िया टुन्नू के सामने तो टुनटुनी को बहुत प्यार करती थी, पर जैसे ही टुन्नू काम पर चला जाता तो टुनटुनी से सारे घर का काम कराती थी। टुनटुनी, अब ये सारे बर्तन धोकर साफ कर दे, वरना तुझे बहुत पिटूंगी और तेरे पिता से भी मार पड़वाऊंगी। मेरी माँ मुझसे कोई काम नहीं कराती थी।